और एक और बुरी खबर है, कोरोना का संक्रमण का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संक्रमितों की एक्टिव संख्या अब 305 हो गई है। कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं। राज्य भर में संक्रमितों की एक्टिव संख्या 511 हो गई है। अब तक राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 1093 है। और जिस तरह कोरोना के मामले घटते जा रहे थे, लोग राहत भरी सांस ले रहे थे, लेकिन एक बार फिर से कोरोना अपना पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। अब एक्टिव की संख्या राज्य भर में 511 हो गई है, जो कोरोना से अभी संक्रमित हैं, इलाजरत हैं। और राज्य में मरने वालों से की संख्या कोरोना से अब तक 1093 हो गई है। सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। सत्यव्रत, लगातार कोरोना के मामले अब जिस तरह पूरे देश में बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से राज्य में खतरे की घंटी है, 25 नए मामले सामने आए हैं। सही कहा आपने कि लगातार जो कोरोना के संक्रमितों की संख्या है फिर एक बार अचानक बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं दोबारा जो कोरोना का खतरा है, जो घंटी है खतरे की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। बीते अगर रात की बात करें आसिया, तो करीब 25 नए मामले राजधानी में सामने आए हैं। आप समझ सकते हैं कि एक दिन में राजधानी रांची से 25 नए कोरोना संक्रमित पाया जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पूरे राज्य की अगर बात करें तो 500 से ज्यादा एक्टिव मामले हो गए, यानी कि फिलहाल अब तक 500 से ज्यादा जो लोग हैं वो कोरोना के संक्रमित हैं पूरे राज्य में। मौत का भी आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 1000 के जो पार है वो मौत का आंकड़ा हो गया है। तो जिस तरह से बीते कुछ दिनों पहले की अगर बात करें आसिया, तो कोरोना का जो संक्रमण एक तरह से जो काफी धीमा हो गया था, या फिर ये कहें कि थम गया था, एक बार फिर पूरे देश सहित राज्य में भी कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है वो मंडराता हुआ दिख रहा है। और बीते रात जिस तरह से कोरोना के संक्रमितों की अचानक जो काफी तेजी से इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय है। आसिया, तैयारियां क्या नजर आ रही है अगर इसी तरह कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती है सत्यव्रत, क्योंकि अब ढिलाई बहुत बढ़ती जा रही है तमाम ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में, अब क्या फिर से वही मुस्तैदी नजर आ रही है जो पहले फेज में दिख रही थी? नहीं, देखिए लगातार स्वास्थ्य विभाग अपने तरफ से हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। जितने भी रेलवे स्टेशन है, खासकर वैसे जगह जहां पर केरल और महाराष्ट्र के जो यात्री हैं उनके आने की संभावना है, रांची की बात करें, हटिया बात करें, टाटानगर रेलवे स्टेशन की बात करें, धनबाद की बात करें, बोकारो की बात करें, ऐसे कई रेलवे स्टेशन है जहां लगातार वैसे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनका स्क्रीनिंग किया जा रहा है। जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनका जो है वो सैंपल जांच किया जा रहा है, और लगातार टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरे राज्य में बढ़ा दी गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे लगातार जो यात्री आ रहे हैं उन पर स्वास्थ्य विभाग पैनी नजर रखा है। खासकर मुंबई, महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा चिन्हित किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग अपने तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है, लेकिन एक बार फिर आम लोगों के लिए यह संदेश है, खासकर झारखंड वासियों के लिए, कि जिस तरह से पूर्व के समय में लोगों ने जो जागरूकता दिखाया था वो जागरूकता एक बार फिर दिखाने की जरूरत है। भारत सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, फिलहाल इसे अभी भी कायम रखने की जरूरत है। आसिया, चलिए शुक्रिया सत्यव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तैयारी है, कोरोना संक्रमितों की संख्या अगर बढ़ती है तो उसके लिए अस्पताल तैयार है, लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतने की अब जरूरत है।